पानी ले आइयो एक गिलास। तुम ले लो ना उठ के खुद। ये काम तू करेगी फिर? हेलो रिचा, तू बता रही थी ना कि तेरे ऑफिस में वैकेंसी है, तू यार पूछेगी मेरे लिए? क्या हो गया तुझे? तुझे तो जॉब नहीं करनी थी। नहीं नहीं यार कुछ नहीं, वो मेरा मन नहीं लगता घर में, तो सोच रही हूँ जॉब कर लूँ, तो इंटरव्यू फिक्स करा देगी मेरा। कितनी अचानक से क्या हो गया और तू रो क्यों रही है? बस यार मुझे लग गया मालूम कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए ना तो उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है, वो घर के कामों से नहीं मिलती, क्योंकि घर के काम की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। चल चल तू एक काम कर, रो मत, टेंशन मत ले, मैं तुझे फोन करती हूँ, चुप हो तू, रो मत। ठीक है चल मुझे बताइयो। सॉरी। नहीं थैंक यू, इट्स ओके, मैं कर लूँगी मैनेज, कोई बात नहीं। यार तू दे देती ना मुझे उठाकर पानी। मैंने ये थोड़ा ही ना बोला था कि जो तू कर रही है वो फालतू है और जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है। नहीं तुम्हारी वजह से नहीं, अब इन चार दीवारों में मुझे खुद घुटन होने लगी है। अब जब मैं जॉब करूंगी ना, पैसे कमाऊंगी, तो इस घर में मेड रखूंगी, इस घर में खुद राशन डलवाऊंगी, रेंट बिजली का बिल पानी का बिल खुद भरूंगी सब। और फिर तुम्हें कहूंगी ओए एक गिलास पानी लेके आ, और फिर तुम्हें लेके आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। यार वो तो तू मुझे अभी भी बोलेगी तो मैं ले आऊंगा पानी, तो उसके लिए उस दिन का इंतजार क्यों करना? नहीं उस दिन मांगूंगी, उस दिन मेरे हाथों में ताकत होगी, क्योंकि अभी तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, अभी तो मैं बेवकूफ हूँ ना। यार सपना तू बहुत सीरियस कर दे रही है यार, बात इतनी इतना तो कुछ था भी नहीं। था, तुम्हें महसूस नहीं हो सकता। हेलो। हाँ वो बोल रहे हैं कि मंडे को आ जा तू, मंडे को इंटरव्यू हो जाएगा तेरा। हाँ 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 मंडे डन, मैं दूंगी इंटरव्यू। हाँ तू मुझे ये बता सैलरी कितनी देंगे स्टार्टिंग में? सैलरी तो बहन तेरी 10,000 होगी, क्योंकि पहले तुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं और डिग्री भी तेरे पास कुछ खास है नहीं। 40,000? ठीक है डन डन। अरे पागल है क्या, 10,000 बोल रही हूँ, 40 तो आज तक मेरी नहीं हुई। ओ अर्जेंट हायरिंग है? अरे सुन ठीक है फिर मिलती हूँ मंडे को, आती हूँ इंटरव्यू देने। अरे सुन तो ले, बैरी हो गई क्या कितनी? चल ठीक है थैंक यू यार। यार आई एम रियली सॉरी यार सपना, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं इसकी जरूरत है। यार सपना अगर तुझे लग रहा है ना मैंने तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया है तो मैं बाहर जाके मुर्गा बन जाता हूँ, और मुझे उठाने मत आइयो जब तक तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाई ना हो जाए। कोई फायदा नहीं है ये सब करके। यार तेरी बेइज्जती हुई है ना तुझे लग रहा है, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। रहने दो तुम। नहीं यार मैं जा रहा हूँ बस। रहने दो। नहीं यार अब मैं जा रहा हूँ बस। नहीं 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 बनना पड़ेगा मुझे, नहीं मुझे बनना भी चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। 10,000 12,000 तो रेंट ही जाएगा, ना मेड आएगी ना राशन आएगा, खुद तो सैलरी मिल रही है तो सीधा तो हो ही गया है। तुम तो मुर्गा बन रहे थे। हाँ मैं सोच रहा था मैं मुर्गा बनूं, फिर मैंने सोचा मैं मुर्गा क्यों बनूं जब मैंने दिल से माफी मांग ही ली है। यार मैंने उसके बाद फिर एक और चीज सोची, जो ये तेरी 40,000 की नौकरी लग रही है ना यार सपना, तो इसको कर ले क्योंकि मुझे ना इससे बहुत हेल्प मिलेगी, मैं ना इतना बर्डन उठा नहीं पा रहा था। तो तू इसको डन कर दे और कंफर्म करके पूछ लियो, और हाँ पूछ लियो इंटरव्यू में अगर सैलरी वैल्यू बढ़ा दे तो 45-45 हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा।